जो एक मर्तबा मैं फिर मोहतरम एमएल ओझा साहब से दरख्वास्त करूंगा, प्लीज थोड़ा सा शरीर से तभी हो मेरे भाई, मैं जरूर आपके हुक्म का एहतराम करूंगा भाई, आपके हुक्म का एहतराम करूंगा। दो मिनट अपने चार शायर रहेंगे, उसके बाद तीसरा दौर शुरू कर दूंगा मैं। दोस्तों और साथियों, बड़े अच्छे अच्छे कलाम से नवाज रहे थे मोहतरम डॉक्टर एमएल ओझा साहब, इनके किस किस शेर पर तारीफ शादाब आजमी के नाम से जानते हैं। मगर दोस्तों, मैं मुंबई से आया हूं, एक बात आप लोगों से अर्ज करना चाहता हूं कि मैं बहुत ही सोच के आया था कि माहौल जो है आजमगढ़ जो है उर्दू अदब का गहवारा है, मैं उससे बढ़कर आप लोगों को पा रहा हूं। अगर मुंबई के वासियों में से लफ्ज माहौल के ही लोगों ने, उत्तर प्रदेश के ही लोगों ने मुंबई को मुंबई बनाया है, मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूं। आप लोगों की खिदमत आने में सिर्फ एक ही बात अर्ज करना चाहता हूं कि बड़ा खूबसूरत माहौल दे रहे हैं आप लोग, बड़े खूबसूरत सामने आप लोग, बड़े खूबसूरत समाज है आप लोगों की, आप लोगों की जितने खूबसूरत समाते हैं इससे कई ज्यादा बढ़कर हम लोगों के दरमियान जो शराय को हम शायरात है वो आप लोगों की मोहब्बत में अम्बाले मोहब्बत में तशरीफ लाया। आइए मैं शादाब आदमी साहब का चार मिसरे से जैनत कलाम दे रहा हूं कि खुदा जो तुमको बख्शा है कभी वो आज मत देना, कि खुदा जो तुमको बख्शा है कभी वो आज मत देना, भले ही जान दे देना पर अपनी लाज मत देना, भले ही जान दे देना पर अपनी लाज मत देना, और इरादे बांध लो अपने कसम खा लो तिरंगे की, कि इरादे बांध लो अपने कसम खा लो में नंगे की, किसी नामर्द के हाथों में अपने ताज मत देना। दोस्तों, भरपूर तालियों से इस्तेमाल कीजिए मोहतरम शादाब आदमी से। अरे दोस्तों, जिंदा मिली का मुजाहरा कीजिए, जवाब भरपूर अंदाज में दीजिए, एक बार फिर सलाम कीजिए शादाब भाई। यूसुफ भाई अभी ये कह रहे हैं कि एक मतलब फिर से सलाम कीजिए, तो जिन लोगों ने अब तक सलाम का जवाब नहीं दिया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरे सलाम का जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का, आपके करीब आने के लिए मुझे बहुत वक्त का इंतजार करना पड़ा। यूसुफ भाई आपका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे अपने लोगों से आपने मेरी मुलाकात करवाई। ओझा जी ने बड़ा अच्छा माहौल बनाया, उससे पहले आपकी बहन आई थी तो आपने सबूत पेश किया कि आप एक अच्छे भाई हैं और बड़ी मोहब्बतों से आपने अपनी बहन को सुना है, तो उसी मोहब्बत पर आप सबूत दीजिए, आप अपने इस भाई को भी थोड़ा सा आज की झोली में भी मोहब्बतें और दुआएं दीजिए, तो अच्छा लगेगा। आइए चार मिसरे यहाँ से पढ़ता हूँ, चार मिसरे पढ़ता हूँ, कौम एकजहती के हवाले से मुझे आवाज दी यूसुफ भाई ने, मुझे चार मिसरे याद आए, वहीं से अपना सफर शुरू करता हूँ। चाहता ये हूँ क्योंकि मेरे दोस्त इस कॉलेज के मैनेजर मोहम्मद गालिब साहब ने कहा है कि अच्छा पढ़ना है नहीं तो समझ लेना, अब क्या समझ लेना मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना कहना है कि आपकी दुआएं मुझे मिल जाए, आपकी मोहब्बतें मुझे मिल जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुशायरा बने, आइए इस कोशिश में आप भी शामिल हो जाए। पेश करता हूँ इरशाद यहाँ से, इरशाद कि ऐलान कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं बड़ी आन बान से, अब तक जो लोग खामोश रहे हैं ये आगे वाले, ये नौजवान जो पीछे बैठे हुए हैं बड़ी मेहनत की है उन्होंने, अल्लाह करे कि उनका ये असर आगे वालों पर भी हो जाए। पेश करता हूँ बतौर खास, सब लोग भूल करके सुने, मुशारा बनाए, पेश करता हूँ समाज, समाज फरमाए भाई, कि ऐलान कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं बड़ी आन बान से, बड़ी आन बान से, ये मुल्क गए अजीज, ये मुल्क गए अजीज, हमें अपनी जान से, शादाब आदमी साहब। चौथा मिसरा दोस्तों, आपके दरमियान चार मिसरे पढ़ता हूँ, चौथा मिसरा जब आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी शख्स खामोश नहीं रहेगा। पेश करता हूँ बतौर खास, समाज फरमाए, ऐलान कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं बड़ी आन बान से, बड़ी आन बान से, ये मुल्क है अजीज, ये मुल्क है अजीज, हमें अपनी जान से, हमें अपनी जान से, मरकर हम इसकी बात में,
जनाब आदमी साहब जिंदा बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। मैं पेश करता हूँ कि एक है बड़ी आन बान से, बड़ी आन बान से ये मुल्क है अजीब, ये मुल्क है अजीब, हमें अपनी जान से, अपने मोहब्बत का इजहार करते हुए उनके गले में फूलों का हार डाल दिया। आप लोग भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। बहुत शुक्रिया मेरे मोहतरम दोस्त गालिब साहब, जिनके हुक्म पर मेरी हाजिरी हुई, नहीं तो मैं कहीं और होता। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम चाहने वालों का। विजय भाई मेरे दोस्त, उन सबकी शिरकत चाहते हुए दोस्तों, चार मिसरे बहुत अच्छी शायरी बीच बीच में आपने सुनी है, मैं तमीज की कोई जरूरत नहीं समझता। मैं तो सिर्फ चार मिसरे पढ़ता हूँ और मुझे पूरा यकीन है आपकी समाजों पर कि आप इंशाल्लाह वहां तक वहां तक जरूर पहुंचेंगे जहां से मैंने ये चार मिसरे कहे। पेश करता हूँ बतौर खास समाज फरमाए इर्शाद के नाशाद को भी उसने, नाशाद को भी उसने कहा शाद कर दिया, कहा शाद कर दिया। बड़ी मेहनत कर रहे हैं यूसुफ भाई, आपकी भी शिरकत चाहता हूं इन चार मिसरों में बतौर खास समाज वाले। के नाशाद को भी उसने, नाशाद को शाद कर दिया, कहा शाद कर दिया। ओ कैसे यकीन कर ले, कैसे यकीन कर ले, आबाद कर दिया, आबाद कर दिया। कैसे यकीन कर ले, कैसे यकीन कर ले, आबाद कर दिया, दोबारा मैं पढ़ूंगा लेकिन ये बताइए समाज फरमाए कि अपना चमन ये, अपना चमन ये। अल्लाह करे इसी तरह से हंसते मुस्कुराते हो बाबू, बहुत अच्छा लगता है जब नौजवान इसी तरह से। आपने मुशायरे को बनाया है, बहुत शुक्रिया। ये सब मुशायरे का हिस्सा है। मेरा भाई इधर से अजीब तरह की आवाज निकाल रहा है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह इसको भी सलामत रखे। दुआ कीजिए सब लोग के हक में। पेश करता हूँ बतौर खास समाज फरमाए, यहाँ से चार मिसरे बतौर खास चार मिसरे पढ़ता हूँ समाज फरमाए। अपना चमन ये, 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 हमको जान से प्यारा है। अपना चमन ये, अपना चमन ये, अपना चमन ये, हमको जान से प्यारा है। खून जिगर से, खून जिगर से हमने इसे संवारा है, खून जिगर से हमने इसे संवारा।
शादाब आदमी साहब कह नहीं है, एक मिनट, शादाब आदमी साहब कह नहीं है, शादाब आदमी साहब ही आ रहे। अरे भाई जरा पानी पी लो, उनको पानी पी लो भाई, पानी पी लो। अरे मेरे भाई पानी का पीने दो यार। आप लोगों के दरमियान शादाब आदमी साहब आ रहे, मगर आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने नशिस्तों पर बैठ जाए। नहीं बैठ जाए, अपने नशिस्तों पर, अपनी नशिस्तों पर बैठ जाए आप लोग। अरे मेरे भाई जरा आप लोग ये तो सोचो कि आपको लाइव बनाया जा रहा है। जी मैं पढ़ता हूँ चार मिसरे यहाँ से, आप इसी तरह से सुने तो शादाब इंशाल्लाह कुछ सुना कर देगा आपके दरमियान। मैं पेश करता हूँ चार मिसरे, मेरे मोहतरम हाफिज इरशाद साहब बैठे हैं, तमाम मेहमान तशरीफ रखते हैं। मैं आपकी शिरकत चाहता हूँ बतौर खास महाप्रधान जी, सबकी शिरकत चाहता हूँ। चार मिसरे पढ़ता हूँ समाप्त फरमाएं, मेरे बुजुर्ग भी तशरीफ रखते हैं, उनकी भी शिरकत हो जाए। चार मिसरे पढ़ता हूँ यहाँ से बतौर खास। हम क्या है, हमारे आइडियल कौन लोग हैं। चार मिसरे पढ़ता हूँ, बुजुर्गों की दुआएं चाहता हूँ समाज फरमाए। कि मोमिन है हम लोग, मोमिन है हम लोग, मदीने वाले हैं। अल्लाह का एहसान है कि ये लोग भी बेदार हो गए। बहुत शुक्रिया, मुझे बुजुर्ग भी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। वो बुजुर्ग जो अभी मुहतरमा आई थी, गीत उन्होंने सुनाया तो बुजुर्ग नौजवान तो खुश हो ही रहे थे, लेकिन पता नहीं कि बुजुर्ग भी खुश हो रहे थे। तो मुझे चार मिसरे याद आए यूसुफ साहब, मुझे चार मिसरे इन बुजुर्गों के लिए याद आए। मैंने कभी कहे थे इन बुजुर्गों के लिए कि कभी की थी जो मैंने वो शरारत याद आती है, कभी की थी, कभी की थी मेरे भाई, कभी की थी जो मैंने वो शरारत याद आती है, तेरी खातिर जमाने से बगावत याद आती है। किसी को इश्क जब करते हुए मैं देख लेता हूँ, मुझे अपने जमाने की मोहब्बत याद आती है। आदमी साहब आपने बुजुर्गों की भी दिल की बात कह दी। मैंने दोस्तों जिस तरह का इशारा होना चाहिए, जैसे सुनना चाहिए, वाकई आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पेश कर दो चार मिसरे समाज फरमाए। कि मोमिन है हम लोग, मदीने वाले हैं। बाबू इसी तरह से चिल्लाते रहो, मुझे एनर्जी मिल रही है। पेश करता हूं समाज फरमाए। मोमिन है हम लोग, मोमिन है हम लोग, मदीने वाले हैं। लंदन और जापान से हमको क्या लेना। मोमिन है हम लोग, मदीने वाले हैं। लंदन और जापान से हमको क्या लेना। मोमिन है हम लोग, मदीने वाले हैं। लंदन और जापान से हमको क्या लेना। लंदन और जापान से हमको क्या लेना। अच्छा बाबू, शकील भाई, डब्लू भाई, गालिब भाई, गुड्डू भाई, फूलपुर से आए हुए मेरे दोस्त। आइए मैं एक मतला यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ बतौर खास समाज फरमाए। कहाँ से आए भाई? अच्छा माहौल वालों, मतला माहौल वालों के हवाले करता हूँ ये गजल का मतला। देखता हूँ कैसा सुनते हैं आप। इस मतले की हिफाजत कीजिए, इस मतले की हिफाजत कीजिए। मैं पेश करता हूं मतलब गजल का, समाज फरमाएं। तुम बनो आईना तो समझ जाऊंगा। बदलता समाज फरमाएं गजल का मतलब। कि तुम बनो आईना तो समझ जाऊंगा। तुम बनो आईना तो समझ
मुझे खुशी है, मुझे खुशी इस बात की है यूसुफ साहब, महकश भाई आप समझते होंगे कि मुझे गजल के शेर पे दाद मिल रही, इसलिए मुझे खुशी हो रही है। क्या बताऊं बतौर खास, वाकई ये इस तरह के शेर यहाँ से निकलते हैं और यही सच्ची शायरी है। पेश करता हूँ बतौर खास, समाज फरमाए, खेल तमाशे तो होते रहते हैं मुशायरों में, पेश करता हूँ बतौर खास समाज फरमाए। के तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा, यूसुफ साहब कि आज मैंने ए भाई सुन, तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा, तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा। बीच वालों के हवाले करता हूं जो बीच में बैठे हुए हैं, बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मैं शेर आप तक पहुंचाता हूं, आप चाहे जहां पहुंचा दे आपको पूरी इजाजत है। पेश करता हूं बतौर खास, इरशाद दे कि तुम बनो बीच वालों के तो समय जाऊंगा, कि फिक्र मुझको सताती है ये रात दिन, मुझको सताती है ये रात दिन, फिक्र मुझको सताती है ये रात दिन, साथ छूटा तेरा जाऊंगा मौत की गात में, तेरी नजरों से दिन उतर एक मतला एक शेर करके फिर आपके आपके हवाले करके फिर आपसे रुख सकता, आपसे इजाजत। मेरे मोहतरम बुड्ढू भाई, मैं आपकी फरमाइश वो मतला पेश करता हूँ बतौर खास समाज फरमाए। नौजवानों आप तक मतला पहुंचाता हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, आप वहाँ पहुँचा दीजिए, आपको पूरी इजाजत है। जी थोड़ा सा माहौल बनाए, मैं पढ़ता हूं। जी बहुत शुक्रिया, मतलब पढ़ता हूं बतौर खास समाज फरमाए। शुरू करो आप खामोश हो जाए तो फिर मैं शुरू करूं। जी मतलब पढ़ता हूं बतौर खास समाज फरमाए। जी रात का क्या बात है, रात का दर्द जुदाई और मेरी तन्हाई है। सुने बतौर खास मतलब जोड़ करके यहां से, कि रात का दर्द जुदाई और मेरी तन्हाई है, रात का
मुझको ये